तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो रात में यहाँ पे कहना फोटो शूट के लिए लोकेशन है। भाई देखो अब आ चुके हैं अमेरिका अमेरिका, और ये है आईफल टावर। देखो कितना लंबा। अरे भाई रात का व्यू तो बड़ा खतरनाक है, जैसे कि आप देख रहे हो भाइयों, ये देखो देख रहे हैं रात को जो ताजमहल है कितना ही ब्यूटीफुल लग रहा है। दिन में आपने देखा यहाँ पे हमने फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करी थी। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं अपनी लोकेशन पे वेस्ट ऑफ वंडर, और हमारे दोस्त यार पीछे से आ रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हो, और ये है वेस्ट ऑफ वंडर। और हम अंदर पूरी एंट्री दिखाएंगे आपको, पूरा एक्सप्लोर करेंगे और पूरे ताजमहल वगैरह और जो भी बिल्डिंग्स वगैरह वो सब दिखाएंगे। कायम लोकेशन का नाम तो बता दो। हाँ वेस्ट ऑफ वंडर आए और पूरी अंदर की लोकेशन देखेंगे और टिकट के प्राइस भी बताएंगे क्या टिकट के प्राइस है। तो गाइस टिकट के प्राइस जो है वो 50 रुपये हैं, और अगर आप क्या नाम है वीकेंड्स में आते हैं जैसे कि संडे में तो हो जाएंगे 100 रुपये, और जो बच्चों के प्राइस हैं वो हैं 25 रुपये जैसे कि आपने पीछे देखा। और हमने फाइनली टिकट ले लिया, और हमारे यार दोस्त देखो आगे आगे जा रहे हैं। बट टिकट तो ले लो, टिकट बेटा। तो गाइस जैसे कि आपने देखा ये हमारी टिकट थी, और हम अंदर एंट्री करेंगे, और ये अपना वेस्ट ऑफ वंडर भाई। देखो दुआ दे दी हमें, पांचों की शादी हो जाए। कौन सी बहू चाहिए तुम्हें? जोन सी मिल जाए। भाइयों देखो एंट्री करते के साथ ही आपको यहाँ पे क्या नाम है कैंटीन मिल जाएगी, और जिसे भी खाना पीना करना है वो यहाँ पे कर सकता है। रिफ्रेशमेंट टाइप है। रॉन्ग साइड है, यहाँ से राइट साइड है। इजिप्ट के साइज का पिरामिड है। ये लोहे का आया, अभी बनवाया। तो ये जो पिरामिड देख रहे हो ये लोहे का बना हुआ है भाई, लोहे का नहीं है, पत्थर का बना हुआ है। यहाँ किसानों ने क्या नाम है अपने लोहे और क्या नाम है वेस्ट मटेरियल जो थे ना वो सब दिए थे, और उसी से ये बना हुआ है। अब चलते हैं फिर आगे, और अभी आगे चलेंगे। पूरी वीडियो में बने रहना, मजा आने वाला, क्योंकि ये कब आएगा वो मजा अभी आने वाला है। रे आगे आएगा, कब आएगा वो मजा? हाँ अभी हमें मजा ढूंढना आगे। तो गाइस ये जो था देख रहे हो आप, ये झुकी हुई मीनार है, जो कि पीसा की मीनार। कौन सी झुकी हुई मीनार है? पीसा वाली है। हाँ अभी आगे तक पूरा जाएंगे। किससे बनी है? लोहे से बनी है ना? नहीं भाई प्लास्टिक से बनी है। प्लास्टिक से बनी है। वेस्ट ऑफ वंडर, वेस्ट ऑफ वंडर, तभी तो नाम इसका वेस्ट ऑफ वंडर। वेस्ट ऑफ वंडर ये बहुत ब्यूटीफुल जगह भाई। वी मैटर डर गई, हम अमेरिका आ चुके हैं। और ये भाई देखो अब आ चुके हैं अमेरिका अमेरिका, और ये है आईफल टावर। देखो कितना लंबा, बहुत लंबा। देखो माता का टाइम अगर जैसे ऐसा जैसे को तैसा आईफल टावर। हाँ यही है वो आईफल टावर। चढ़ जाएगा ऊपर, यहाँ तो फोटो शूट बड़ा खतरनाक होगा यहाँ पे। ये देखो भाई भाई उल्टा करके दिखाओ जरा नहीं ऊपर का पूरा। ये देखो भाई कहाँ तक जा रही है ऊपर। वो देखो कितना प्यारा लग रहा है, कपल वाला पार्क है जैसे कि आप देख रहे हो। कुआं कहाँ से आ गए हैं? और ये क्या चीज है भाई? कुआं ये कहाँ का कुआं है? कुआ। तो भाई ये देखो यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुली क्या नाम है पत्थर वगैरह रखे हुए हैं, और ये चीज समझ नहीं आ रही है क्या चीज। तो देखो यहाँ पे ओए होए, अबे क्या है ये? तो ताजमहल है। तो ताजमहल देख रहे हो, 37 फीट है इसकी, और ये देखो ताजमहल बहुत सदियों से यहाँ पे बना हुआ है, यहीं पे खड़ा हुआ है। इसको उखाड़ने के लिए कोई आया नहीं। और देखो कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे। अभी हम फोटो शूट करेंगे, करेंगे फोटो शूट यहीं पे, यहीं कर ले भैया, यहीं करते हैं फोटो शूट, यहीं निकाल ले। हम सेल्फी लेने जा रहे हैं, हमें भी तो ले लो। कितने हजार कैमरे पे खर्च करे? 20,000 रुपए पूरे। ये फोन से जिससे बन दी है इससे 20,000 रुपए खर्च करे भाई ने। और ये तो ये इशारा कर रहा है कि क्या नाम है वहाँ आगे नहीं जाना, खतरा है। ये रिडियम मर है, रिडियम मर। और पढ़ो भाई नाम, पढ़ो क्या है ये, अभी पढ़ के बताएंगे। और गाइस ये है चौथा, ये है चौथा अजूबा जैसे कि आप देख रहे हो। इसकी मुंडी देखो हसरा है। यहाँ पार्टी हो रही है। हाँ पार्टी हो रही है। ये हम है, और ये अजूबा है, और यह पार्टी हो रही है। ये कौन सा अजूबा था? पांचवा दो रह गए, और अभी दो रह गए। आठ होते हैं मेरे ख्याल से, सात होते हैं। सात है भाई, सात है भाई।
गिनती में कमजोरी हो गई है गाइस। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, और यहाँ पे अगर आप आओ तो मास्क जरूर पहन के आना। हमने तो पहन ही रखा, हम तो रूल ही तोड़ देते हैं। और यहाँ पे आगे चल रहा है शावर, फवारा चल रहा है, अभी आगे तक दिखाएंगे। कहाँ चल रहा मेरा पानी? ये देखो पानी चल रहा है। ओए ओए चुम्बक डालो, सिक्के उठाओ। और क्या नाम है यहाँ पे आगे भाई, मजा आ गया एकदम। जैनमन लोकेशन थी, लोकेशन बड़ी खतरनाक है। ओए ओए मजा आ गया। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे हमने क्या नाम है आपको अजूबे दिखा दिए हैं। और भाई क्या लगा? बहुत बड़ा स्कैम हुआ है हमारे यहाँ, 7 अजूबे व्हाट्सएप अंडर में, लेकिन यहाँ सिर्फ 5 ही दिखा रखे हैं। तो भाई यहाँ पे 7 का देकर 5 दिखा रहे हैं, 7 का बोल के 5 दिखा रहे हैं, झूठे हैं सारे के सारे। पैसा बर्बाद बहन चोर, केस करो बे, तो भाई देखो यहाँ पे थोड़ा फन तो जरूरी है, तुम्हें पता ही मेरी वीडियो में फन जरूर होता है। और ये देखो पीछे जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा टायर के साथ फोटो शूट चल रहा है इनका। और अभी मैं रात तक रुकूंगा यहाँ पे, थोड़ा सा रात होने दो, और यहाँ पे कहना मैं रात के व्यूज भी दिखाऊंगा आपको, और मजा आने वाला वीडियो में। और ये जैसे कि देख सकते हो यहाँ से हमने एंट्री करी थी, और यहाँ पे आके भाई मजा आ गया एकदम से। आप भी यहाँ विजिट करो, और क्या नाम है डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइमिंग और जो इसकी टिकट के प्राइस है वो सब दे रखे हैं। जो रात का व्यू है पिरामिड का कुछ इस तरीके से आता है जैसे कि आप देख रहे हैं, और यहाँ पे एक ही लाइट लग रखी है पीछे, और पूरी क्या नाम है घेर रखी है लाइट, और मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा आगे तक लेके जाऊंगा। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं ये रात का व्यू है, और रात में देखिए कितना जगमग जगमग लग रहा है, और यहाँ पे पूरी साइड क्या नाम है पूरी लाइटिंग लगा रखी है आप जैसे कि देख रहे हैं। और रात में भी भाई ये बहुत ही खतरनाक करके लगता है। अभी चल रहे हैं वहीं भी चल रही है, और देखो भाई कितना खूबसूरती से यहाँ लगा रखा है इन्होंने, और हम पूरा आगे तक चलेंगे और पूरा व्यू दिखाएंगे आपको। तो गाइस जो ये मीनार देख रहे हैं आपको, ये आधी झुकी हुई है, आपको ऐसे पता नहीं लग रहा, अभी ये आधी झुकी हुई है, देखो ये टेढ़ी जा रही है इस तरफ। और इसकी खूबी यही है कि क्या नाम है ये मीनार झुकी हुई है। अरे भाई रात का व्यू तो बड़ा खतरनाक है जैसे कि आप देख रहे हो भाई, ये देखो, और ये देखो कितना प्यारा लग रहा है पेरिस, भाई कितना प्यारा लग रहा है, पेरिस में आ गए हम हैं। मेरा भाई वीडियो के लिए बहुत मेहनत करता है, दिन रात लगाता है, सुबह का आवर रात हो गई, नाइट शूट लेने के लिए मेरा भाई रुका हुआ था। अभी रात को हम रुके हुए थे, रात का पूरा शूट लेंगे। और जैसे कि आप देख रहे हो और मीनार बोर्ड खतरनाक करके यहाँ पे लगा रखी है इन्होंने, और यहाँ पे हमने फोटो शूट नहीं हो पाया हमारे। चलो कोई बात नहीं, इस वाली लोकेशन पे नहीं हुई, लेकिन बाकी हमने पूरी लोकेशन पे फोटो शूट करी है, और मजा आ गया हमें। गाइज आप जैसे कि देख रहे हैं रात को जो ताजमहल है कितना ही ब्यूटीफुल लग रहा है, दिन में आपने देखा यहाँ पे हमने फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करी थी, और देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने आपको पानी नहीं दिखाया था, पानी में दिखाएंगे। और ये अपना टावर है दूर से दिख रहा है, और ये जो है ये पानी की लहर है। और यहाँ पे हमने फोटो शूट कर लिया था सुबह सुबह, और वीडियो और रील्स वगैरह बनाई है इंस्टाग्राम पे, आप विजिट कर सकते हैं। और रात में कहना मैं देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, और इसे कहते हैं ताजमहल। और यहाँ पे देखो जैसे कि आप भीड़ लगी हुई है सारी, फोटो शूट चल रही है। तो गाइज आप कोलोजियम के दर्शन कर रहे हो जैसे कि आप देख रहे हो, ये कोलोजियम है, और ये वेस्ट मटेरियल से बना पूरा, किसानों ने यहाँ पे थोड़ा अपना लोहा और वेस्ट मटेरियल्स दिया। और देखो ये रात का व्यू है, दिन का तो आपको मैंने पूरा दिखाई दिया, और ये रात का व्यू है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टूटा टूटा सा है ये। और देखो ये अंदर तक, पूरा अंदर तक दिखाते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे भाई देखो हाथ खड़े करके खड़ा हुआ है, और ये कह रहा भाई यहाँ से आगे नहीं जाना है, यहाँ से क्या कह रहा है आगे आगे नहीं जाना। और ये देखो यहाँ पे रात का व्यू भाई देखो अलग ही लगता है, तुम्हें पता ही है, नेक्स्ट लेवल है रात का व्यू। और देखो कितना ब्यूटीफुली, देखो पूरी ऊपर तक स्कैन कर दिया, पूरा पीछे तक स्कैन कर देंगे। और यहाँ पे देखो रात में जो होती है ना लाइटिंग जो लगाते हैं ना, उससे बहुत इंप्रेशन पड़ता है यहाँ। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो ये न्यूयॉर्क की बिल्डिंग यहाँ पे लगा रखी है किसी ने, और यहाँ पे लाइटिंग वगैरह एकदम जैनमन करके है। और यहाँ देखो रात का व्यू कुछ इस टाइप से आता है, और मज़ेदार है एकदम। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे देखो कितनी खूबसूरती से वाटरफॉल बह रहा है, पानी एकदम से पत्थरों के बीच में से निकल रहा है, मेरा तो नहाने का मन कर रहा है यहीं पर नहा लो, लेकिन ठंड हो रही है इसलिए हम नहाएंगे नहीं। और रात को ये देखो कितना प्यारा लगता है, हमने दिन में आपको दिखाई दिया था, और रात में तो और ही जैनमन लगता है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे कैफ़े वगैरह सब है, और यहाँ पे कैंटीन है अपनी, सब कुछ मिल जाएगा आपको कैंटीन में।
और ये देखिए ये पूरा कॉम्बो है, बर्गर वगैरह सब, और ये पूरा मेन्यू है। और यहाँ पे कहने में खाने पीने की कोई कमी नहीं है, जिस भाई को कहने में खाने पीने की दिक्कत लगे वो यहाँ पे आ सकता है। और देखो साउथ किचन भी है, और बहुत ही अच्छी लोकेशन है पूरी कहने में, वहाँ तक लास्ट तक है। जैसे कि आप देख रहे हैं पूरा खाने पीने का सेटअप बहुत अच्छा करके रखा हुआ है उन्होंने। पेप्सी वगैरह जूस वगैरह सब मिलता है, चाय तक मिलती है यहाँ पे, टी। जैसे कि आप देख सकते हो रात में यहाँ पे कहने में फ़ोटो शूट के लिए ये लोकेशन है। और ये देखिए यहाँ पे खिड़की वगैरह बन रखे हैं, और हमने आपको पूरी लोकेशन दिखा दी है। और यहाँ पर एक बहुत ही ख़तरनाक लोकेशन है यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ पे झोपड़ी टाइप बना रखी है, हमने यहाँ पे फ़ोटो शूट रील्स वगैरह बनाई थी। और हम चल रहे हैं घर। जैसे कि आपने देखा हमने पूरी लोकेशन को एक्सप्लोर कर ही लिया, कितना मज़ा आया? बहुत मज़ा आया। और हम चल रहे हैं बाहर, बाहर चलते हैं थोड़ा, और बाहर हम आ चुके हैं, अब हम जा रहे हैं घर को। घर को जाएंगे और मज़ा आने वाला। कहाँ जा रहे हैं? घर को जा रहे हैं हम।